अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने एक और कुकिंग रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। चीज़ें देख के थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, वैसे मुश्किल है गेस करना, लेकिन आप लोग थोड़ा सा आइडिया करें कि आज क्या बन रहा है। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें सामने रखी हुई हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज जो बना रही हूँ मैं चिकन लज़ानिया बना रही हूँ। तो इसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। ये टोमेटो केचप और ये टोमेटो यानी कि इसकी ना टोमेटो केचप सॉरी कह रही हूँ टोमेटो पेस्ट है। हमें अदरक लहसुन टमाटो वो प्याज ये मैंने चॉप्ड की हुई है, ठीक है। ये मैंने तीन प्याज चॉप्ड किए हैं और ये तीन टमाटर चॉप किए हैं, एक ये शिमला मिर्च, और ये तकरीबन 1 kg जो है, 1 kg नहीं 800 ग्राम जो है वो ये चिकन वो है कीमा, चिकन का कीमा है। मोज़रेला चाहिए और दूध चाहिए। स्पाइसेस के अंदर हमारे आ गया नमक और हमारी ये काली मिर्च है, काला नमक आपका हसबे जायका, काली मिर्च 1/2 teaspoon, और ये रेड चिली पाउडर जो है, रेड चिली भी डाल सकते हैं और ये वाली चिली भी डाल सकते हैं यानी कि क्रश चिली, ये मैंने 1 teaspoon ली है। और ओरिगानो और ड्राइड ओरिगानो ये मैंने ऑलमोस्ट 1 teaspoon लिया है। उसके अलावा हमें केचप की ज़रूरत है और दूध हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम इसको बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसका जो है ना कीमे की रेसिपी पहले हम तैयार कर लेते हैं। इसमें तीन रेसिपीज़ में ये बनेगा कीमा, ये लज़ानिया। सबसे पहले चिकन कीमा रेडी होगा, फिर वाइट सॉस तैयार होगी, फिर उसके बाद जो है चिकन यानी लज़ानिया शीट्स नहीं है, मैं इसके लिए मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, यानी कि चिकन पास्ता। ये मैंने बॉईल करने के लिए दूसरी तरफ रख दिया है, ऑलमोस्ट ये बॉईल होने वाला है। जब ये बॉईल हो जाएगा यानी कि गल जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी, और फिलहाल अभी हम कीमे की तैयारी शुरू करते हैं। ये मैंने सॉस को गरम कर लिया है यानी पैन गरम कर लिया है। इसमें आप हसबे ज़रूरत ऑयल डाल दें, मैं ऑयल बहुत ही कम ही डालती हूँ, तो आप हसबे ज़रूरत इसके अंदर ऑयल डाल दें। 800 ग्राम कीमा है तो आई थिंक इतना ऑयल इनफ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो है सबसे पहले जो हमारी प्याज चॉप्ड हुई हुई है ये हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये चॉप करके इसको हम अच्छे से यानी कि पिंक कर लेंगे इसको, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, इसको हम पिंक कर लेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन हो गई है यानी कि लाइट ब्राउन। इसमें हमने ये 2 चम्मच जो अदरक लहसुन था ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर जो है कीमा ऐड कर देंगे, जो अपना हमने चिकन मेल्स रखा हुआ है वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ कीमा है ये हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इस कीमे को वाइट होने तक, जब तक वैसे तो वाइट ही है लेकिन अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया यानी कि हमने जो चिकन मिंस डाला था इसने पानी छोड़ दिया, फिर ड्राई हो जाए तो फिर हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। जब तक हम दूसरे पैन के ऊपर अपनी वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मक्खन। मक्खन आप अगर आपके पास घी है ऑयल है तो यू कैन ऐड, मैं कम से कम 3 चम्मच ही इसमें मक्खन ऐड कर रही हूँ। ये मक्खन मेल्ट हो जाता है तो मैं फिर इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना मैदा यानी कि 3 चम्मच मैदा मैं ऐड करूँगी। ये मक्खन जो था मैंने मेल्ट हो गया, अब इसके अंदर जो मैंने ये मैदा निकाला है 3 चम्मच, इसको चम्मच चलाते रहें और इसको ऐड करते रहें, थोड़े थोड़ा करके डालते रहें और ऐड करते रहें, मिक्स करते रहें ताकि गुठली ना बने बिल्कुल भी। ये हम वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं। दूसरे चूल्हे पे हमारा कीमा भी जब तक तैयार होता जा रहा है
हम जब तक व्हाइट सॉस तैयार कर लें। ये थिक हो जाएगा करते करते। तो अब जब ये सारा, ये इस तरीके से देखें, इसमें कोई भी गुठली नहीं बनी है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, दूध ऐड करना है, ठीक है। दूध को ऐड करते वक्त भी आपने कंटिन्यूसली जो है ना ये चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये इस तरीके से जो ब्लेंडर होता है, हैंड ब्लेंडर, उसकी ज़रूरत है। इससे थोड़ा सा मिक्स कर लें। ये मैंने एक कप दूध निकाला है। अब दूध थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते रहें और मिक्स करते रहें। आँच थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जब तक हमारी व्हाइट सॉस मिक्स हो रही है, इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं, जब तक ये कीमा जो है हमारा ये भुन गया है। अब इस कीमे के अंदर जो है आपने डाल देना है टमाटर। ये तीन टमाटर जो मैंने चॉप किए थे, ये तीन टमाटर ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें। इसको 5 मिनट बस पकाएं और फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। ये टमाटो हमने 5 मिनट पकाए हैं। अब इसके साथ साथ हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस निकाले थे, नमक, काली मिर्च, साबुत में वो चैप, वो कौन सी मिर्च थी, मिर्च और ओरिगानो। अब इनको डाल के हम भुनाई कर लेंगे। और हमारी जो ये सॉस तैयार हुई है, इसमें भी हम थोड़ा सा सॉल्ट और ओरिगानो ऐड करते हैं। ओरिगानो, सॉल्ट और काली मिर्च। और ये वाइट सॉस के अंदर हमारी आधा चम्मच जो है, आधे से भी कम चम्मच आपका सॉल्ट और काली मिर्चें, आपकी ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। बस इसके बाद हमारी वाइट सॉस तैयार है। और उसके बाद हम वापस अपनी कीमे पर आ गए। कीमे में हमने अपनी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा वो क्या नाम है, टोमाटो पेस्ट भी हम ऐड कर देते हैं। ये टोमाटो पेस्ट, बस ये 3 चम्मच एटलीस्ट मैंने टोमाटो पेस्ट ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है। इसकी थिकनेस इतनी ही इनफ है। अब इसका वाइट सॉस का चूल्हा बंद कर देते हैं और कीमे को हम लोग, यानी कि इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसको 10 मिनट बस, 5 मिनट पकाते हैं बस। 5 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। टमाटो पे सारा ऐड मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर जो हमारा ये टमाटो केचप निकाला था, एटलीस्ट 3 चम्मच ये हम, ये भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, सब चीज़ें ऑलमोस्ट जल गई हैं। बस इसके अंदर शिमला मिर्च है। जब कीमा अच्छे से गल जाएगा तो हम आखिर में बिल्कुल शिमला मिर्च डाल देंगे। ये सॉस भी हमारी तैयार हो गई है। बस इसको 5 मिनट पकाती हूँ, बल्कि इसको ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं हम लोग, ताकि कीमा लगे ना, ठीक है। ये हम इसके अंदर आधा कप एटलीस्ट पानी डाल देते हैं, ठीक है। आधा कप पानी डाल के इसको, कीमे को हम ढक के रख देते हैं, ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए। वैसे तो भुनाई में भी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है, लेकिन बस और करके कोई कसर ना रहे, तो इसके साथ साथ हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हमने ढक के रख दिया था। हमारा ऑलमोस्ट कीमा जो है वो गल गया है, ठीक है। बिल्कुल ऑलमोस्ट कीमा हमारा सारा गल गया, ठीक है। कितनी कितनी अच्छी रेडनेस आई है। अब इसके ऊपर जो हमारा लास्ट बचा था, हमारी शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च हम थोड़ी सी ऐड करके इसको 10 मिनट, 5 मिनट के लिए बस ढक के रखते हैं और फिर चूल्हा बंद कर देंगे, ताकि शिमला मिर्च अच्छे से गल जाए। उस 5 मिनट के लिए इसको और ढक के रख देते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है।
ठीक है, ये हमने 5 मिनट और इसको ढक के रख दिया है। 5 मिनट के बाद ये शिमला मिर्च भी गल गई है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, ये चूल्हा बंद कर, ये मैं इसको अब बेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले आपके मैं कांच का बाउल यूज़ कर रही हूँ। ये पायरेक्स का बाउल है कांच का, यानी कि ये ओवन के अंदर अगर हम रखें या कुकिंग रेंज में रखें तो इसका कांच जो है वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पहले ऑयल ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसके अंदर डालनी है वाइट सॉस। ठीक है, ये थोड़ी सी वाइट सॉस ऐड करेंगे। ठीक है, व्हाइट सॉस के बाद हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे। ठीक है, व्हाइट सॉस को अच्छी तरह सब जगह फैला लें। उसके बाद हमारी ये मैक्रोनी ऐड होगी इसके अंदर, यानी अगर आपके पास लज़ानिया शीट्स हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे लज़ानिया शीट्स मिली नहीं थी तो इस वजह से मैं मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा इसके अंदर जो है ये कीमा ऐड होगा। कीमे की एक बारीक सी लेयर लगा दें। ठीक है, ये कीमा हमने ऐड कर लिया इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर जो है अपनी मोज़रेला डालेंगे। ठीक है, ये हमने एक लेयर कीमे की बिछा ली। अब हमारा ये मोज़रेला, अब इसके अंदर से मोज़रेला हाथ मैंने वॉश किए हैं, आप अच्छे से मोज़रेला को इसके ऊपर ज़रा अच्छी सी लेयर आपने लगानी है, ये आप इसके ऊपर डाल दो। क्योंकि इसी का ही टेस्ट आना होता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ठीक है, ये इस तरीके से, अब इसी तरीके से मैं दूसरा बाउल भी रेडी कर लूँगी। ठीक है, ये दूसरा बाउल भी रेडी हो गया है। ये इसके अंदर भी आपने सेम प्रोसेस उसी जिस तरह उसमें किया है, इस तरह इसके अंदर भी आपने सेम प्रोसेस करना है। और इसके अंदर भी चीज़, ये जो मोज़रेला चीज़ है, ये सारी मैं ऐड कर दूंगी। ये इस तरीके से करके ज़्यादा सी चीज़, क्योंकि इस चीज़ का मज़ा बहुत अच्छा आता है। जिन जो डाइट कॉन्शियस हैं वो इतनी ज़्यादा चीज़ ऐड ना करें, मोज़रेला यानी कि बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, वो अपने हिसाब से ऐड कर लें। मैं काफ़ी सारा सा ऐड कर रही हूँ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये इस तरीके से करके देखें, पूरी लेयर मैंने इसकी कवर कर दी है। और अभी मेरा थोड़ा सा कीमा और बच गया तो मैं एक बाउल और बना लेती हूँ। जितनी देर में आप अपना जो है वो कुकिंग रेंज जो है वो आपको एटलीस्ट हीट करने के लिए रख दें उसको। ये उसी बाउल के ऊपर ना मैं एक लेयर और लगा रही हूँ, क्योंकि कीमा जो है वो बच गया है थोड़ा सा, ये थोड़ी सी वाइट सॉस थोड़ी सी ऐड करके मैं इसी के ऊपर एक लेयर और लगा रही हूँ। ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि डायरेक्टली आप एकदम ओवन के अंदर नहीं रखें, एटलीस्ट उसको अच्छे से प्री हीट कर लें, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर उसको यानी इन बाउल्स को उसके अंदर डालें। ये 1 kg थी मोज़रेला, मैंने सारी ही डाल दी। ठीक है, अब इसको हम ओवन में रख देंगे। अच्छा, ये आखिर में जो है हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो भी, ड्राई ओरिगानो जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देना है। हमने उसके अंदर भी ऐड किया था लेकिन हम उसके ऊपर भी ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए। ठीक है, अब हम इसके अंदर ओवन के अंदर इसको एटलीस्ट, हाँ, इसको 15 मिनट के लिए हम लोग इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, आँच थोड़ी सी मैं हल्की कर रही हूँ क्योंकि प्री हीट अच्छा खासा हो चुका है ये। ठीक है, अब इसको 15 मिनट के लिए मैं इसके अंदर रख रही हूँ।